नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएल 7 से जुड़ी कुछ ट्रांसफर अपडेट और रूमर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले अगर बात किया जाए ओडिशा एफसी के बारे में, तो ओडिशा एफसी नेक्स्ट सीजन के लिए साइन करने वाले हैं एक यंग टैलेंटेड मिडफील्डर को, जिसका नाम है भाई थोइबा सिंह मोइरांगथेम, और उनका एज है 17। तो थोइबा सिंह मोइरांगथेम जो इंडिया अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 19 टीम के तरफ से खेला है, और इस सीजन आई लीग में इन्होंने पंजाब एफसी की तरफ से टोटल 9 मैचेस खेला है, जहां उनके नाम एक गोल भी शामिल है। तो इनको अब नेक्स्ट सीजन के लिए साइन करने वाले है ओडिशा एफसी, और ऐसा हमें पता चला है goal.com के तरफ से। उसके बाद अगर मुंबई सीटी एफसी के बारे में बात किया जाए, तो भाई पहले तो सर्जियो लोबेरा के बारे में मुंबई सीटी एफसी की तरफ से एक रूमर्स निकल कर आया था, और आप वैसे ही कुछ रूमर्स निकल कर आया है एफसी गोवा का डिफेंसिव मिडफील्डर अहमद जाहू के बारे में। तो एक मल्टीपल सोर्सेस से हमें यह पता चल रहा है कि मुंबई सीटी एफसी अहमद जाहू को नेक्स्ट सीजन के लिए साइन करने के लिए उनके साथ बात कर रहा है। तो भाई सर्जियो लोबेरा अगर मुंबई सीटी एफसी के हेड कोच के रूप में ऑफिशियली कन्फर्म हो जाए, तो नेक्स्ट सीजन में अहमद जाहू भी मुंबई सीटी एफसी में जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सीजन के लिए चेन्नई एनएफसी के लेफ्ट बैक तोंडोंगबा सिंह के ऊपर भी मुंबई सीटी एफसी ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो तोंडोंगबा सिंह जो एक 25 वर्षीय इंडियन डिफेंडर है, उनको भी नेक्स्ट सीजन के लिए साइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है मुंबई सीटी एफसी ने, और ऐसा हमें पता चला है goal.com के तरफ से। उसके बाद अगर एटीके या फिर एटीके मोहन बागान के बारे में बात किया जाए, तो भाई नेक्स्ट सीजन के लिए एटीके मोहन बागान में आ सकते हैं चर्चिल ब्रदर्स एफसी के अटैकिंग मिडफील्डर ग्लेन मार्टिन्स। तो ग्लेन मार्टिन्स जो एक 25 वर्षीय इंडियन अटैकिंग मिडफील्डर है, और इस सीजन आई लीग में इन्होंने चर्चिल ब्रदर्स एफसी के तरफ से टोटल 14 मैचेस खेला है। तो एटीके मोहन बागान का मैनेजमेंट ने ग्लेन मार्टिन्स के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो आप देखते हैं कि इस चीज के ऊपर ऑफिशियल अपडेट क्या निकल कर आता है। उसके बाद अगर एफसी गोवा के बारे में बात किया जाए, तो भाई एफसी गोवा के साथ शायद एडुबेडी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाले है। तो भाई कुछ अंदर का सोर्सेस और एफसी गोवा का ही प्रेस रिलीज के तरफ से हमें ऐसा पता चल रहा है कि एफसी गोवा एडुबेडिया के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाले हैं। उसके साथ साथ मंदार राव देसाई और लेनी रोड्रिगेस को भी एफसी गोवा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए ऑफर कर चुका है। और अगर ईस्ट बंगाल एफसी के बारे में बात किया जाए, तो भाई मोहम्मद रफीक और बलवंत सिंह शायद अगले सीजन में ईस्ट बंगाल एफसी में जा सकते हैं। तो भाई ईस्ट बंगाल ने यहाँ पर बलवंत सिंह और मोहम्मद रफीक के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है नेक्स्ट सीजन के लिए, और ऐसा हमें पता चला है लाल हलूद का एक फेसबुक पेज के तरफ से। तो गाइस, बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और जिसने भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वो जल्दी से जाकर स्पोर्ट्स नॉलेज ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।